मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी पुलिस ने बुराएड़ी गांव के जंगलों में मुखबिर द्वारा दी गई गौवंशी की सूचना पर छापेमारी की। जंगलों में घेराबंदी के दौरान पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने गौकश रिटायर सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शमीम और रहमान को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 9 गौकश पुलिस को चकमा देकर जंगलों से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने गौकशों के कब्जे से 51 चार कारतूस और गौकशी के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण पर सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जंगलों में छापेमारी की गई थी, जहां पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 11 लोगों के खिलाफ गौकशी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये कल पुरकाजी थाना क्षेत्र में भूराहेड़ी एक गाँव पड़ता है, भूराहेड़ी के जंगल में सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने गौकशों ने एक जो है गौकशी की है, एक गाय को काटा है, जिसके अवशेष वहाँ मिले थे। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें मुखबिर मामूर किए गए, तो जिसमें जानकारी मिली थी। आज सुबह ये जानकारी मिली कि उसी घटना से संबंधित 2 अभियुक्त जो वहीं टहल रहे हैं, उनकी सूचना मिली, वहाँ पर पुलिस टीम लगाई गई। तो जैसे ही उन लोगों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, परंतु उनको वहाँ दबिश दे के 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें एक का नाम अतीकुर रहमान है, इसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल है, और दूसरे का नाम इसमें शमीम अहमद है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 9 लोग, इन्होंने अन्य 9 लोगों के नाम बताए हैं जो 9 लोग इस घटना को कारित करने में थे, उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही हैं। बहुत शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनसे तमंचा अवैध जिससे इन्होंने फायर किया वो तमंचा बरामद हुआ, छुरी बरामद हुई, अन्य सामान बरामद हुआ, जो भी गोकसी करने का जो रस्से वगैरह हैं वो इससे बरामद हुए हैं, और बाकी जो अन्य 9 लोग हैं उनको भी बहुत शीघ्र हम दबिश देकर उनको गिरफ्तार करेंगे। अभी तक तो जो कोई जानकारी में नहीं आया है, क्योंकि ये इसकी उम्र अभी कम है लड़के की, 21-22 साल का लड़का है, परंतु ये अभी इसने जो घटनाएं कारित करना कबूल किया है, लेकिन इसकी हम ये भी जानकारी कर रहे हैं कि अन्य थानों से भी, कि किसी और थाने में तो इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत नहीं है।